हाय फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। असल में क्या करें, हमारा कुछ धंधा ऐसा है कि गर्मी का धंधा है तो उसमें बिजी रहना पड़ता है आजकल। तो आज आपको अपडेट देते हैं और अपनी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ब्रोकली का क्या कंडीशन है वो दिखाते हैं और किस तरह से हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम आजकल रन कर रहा है, क्या क्या हमने लगा रखा है, क्या हमने ख़त्म कर दिया और क्या लगाने वाले हैं, वो सारी जानकारी आपको टोटल देंगे हम। और आगे इसके ऊपर हम नेट भी डालने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो ये तो देख ही रहे हैं, ये शिमला मिर्च है। ऊपर देखिए ब्रोकली के पौधे, ये ओ देखिए अब ये फ्लावरिंग हो चुकी है। इसमें देखिए कितने बड़े बड़े फूल बने हुए हैं, हालांकि अभी ये और बड़े होंगे तो अभी हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। और कुछ ब्रोकली हमारी छोटी भी है, नई लगाई है, जो देखिए बीच में ये हम जगह को खाली नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ, जैसे मान लीजिए बीच का स्पेस है तो वहाँ पर हमने ये बंद गोभी इधर लगा दी है, उधर बीच में ब्रोकली लगा दी है, कुछ ना कुछ हम लगाते रहते हैं। अब इधर देखिए, इधर की ब्रोकली देखिए, तो देखिए कैसे बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े फूल बने हुए हैं और अभी बढ़ ही रहे हैं। ये अभी एक सप्ताह बाद ही ये हार्वेस्टिंग लायक होगा, तब तक इसका फूल लगभग 400-500 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये लगभग 4-5 दिन से ही फूल बनना शुरू हुआ है इसमें। और देखिए कितना स्वस्थ पौधा है ना, इसके हरापन देखिए, स्वस्थ देखिए, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं फैला है। जैसे ज़मीन पर कई बार तो ये 2-2, 3-3 फुट के घेरे में फैल जाता है, लेकिन ये अभी इतना नहीं फैला है, फिर भी फूल बहुत बढ़िया पकड़ा है इसने। ये गठीला फूल है, फूल की क्वालिटी भी देखिए कि फूल गठे हुए हैं एक में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में ब्रोकली भी आसानी से कर सकते हैं। और देखिए बाकी आपको हम गार्डन का अपना टूर कराते हैं। ठीक है, ये है कि लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट में चेंजिंग करनी पड़ती है ब्रोकली या शिमला मिर्च या इस तरह की चीज़ें लगाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। जैसे जाड़े में हमने सोचा कि साग वाली सब्ज़ियाँ हमें ज़्यादा चाहिए, तो हमने साग वाली लगाई थी, उसके हिसाब से थोड़ा सा न्यूट्रिएंट का चेंजिंग किया था। ठीक है, तो उसमें हमने मेथी, पालक, धनिया वगैरह काफ़ी सारा ग्रो किया, बहुत खाया हमने, लोगों को बांटा भी। और उसके बाद जब से हमारे शिमला मिर्च मान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है, अब ये फ्लावरिंग लायक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपने न्यूट्रिएंट में चेंज किए हैं। थोड़ा मान लीजिए कि फास्फोरस बढ़ा दिए, पोटास बढ़ा दिए, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ी मात्रा बढ़ा दी, तो देखिए ब्रोकली में फूल आ गया तत्काल ही बढ़ाते ही। और इसमें भी 2-4 दिन में फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। अब ये काफ़ी हो चुका है, मतलब फ्लावरिंग लेने लायक पौधा हो चुका है। अब इस टाइम अगर फ्लावरिंग आए तो ये उसको झेल सकता है और फल बन सकते हैं। ठीक है, इनके स्वास्थ्य देखिए, अभी भी हमारे पास हालांकि अभी मेथी है इसमें, देखिए पालक तो इधर से हमने सारी ख़त्म कर दी, निकाल के फेंक रखा है कप। और बाकी न्यूट्रिएंट के विषय में, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट हम कैसे बनाएँ, किस पौधे को कितनी आवश्यकता है, इसके बारे में हम अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं। तो आप पीछे अपने उसके चैनल को ब्राउज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जा करके देख लीजिए कि किस तरह से न्यूट्रिएंट बनाए जाते हैं। और हम तो कोई महंगा तरीका बताते नहीं हैं आपको, जो भी है सस्ता तरीका, लोकल अवेलेबल न्यूट्रिएंट से ही हम अपना ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम चलाते हैं और उसी तरीके से करते हैं। तो आइए देखिए क्या क्या लगा हुआ है आजकल। ये देखिए, ये मेथी है, ये हमने ख़त्म कर दी है, काट दिया है, अब इसका नेट कब कभी ख़त्म कर देगा, क्योंकि दोबारा मेथी हो नहीं पा रही है। ठीक है, ये नई मेथी जो लगी हुई है, अभी 1-2 दिन में हार्वेस्टिंग होगी। इधर देखिए हमने नया धनिया लगा दिया है, ये देखिए जर्मिनेशन कैसी हुई है। ठीक है, साइड तक से इसने फेंका हुआ है, ठीक है, किस तरह से इसकी जर्मिनेशन हुई है। हालाँकि अप्रैल तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल तक तो धनिया होगा, तो इसलिए हमने लगा भी दिया। और देखिए इनके बीच बीच में, देखिए ये ब्रोकली हैं और इसके बीच में एक एक हमें खाली रखना पड़ा क्योंकि फैल रही थी, तो इधर हमने गोभी लगा दी, ये बंद गोभी। ठीक है, देखिए ये भी, ये तो अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको हम अलग करेंगे। ठीक है, तब तक हमारी ब्रोकली हार्वेस्ट हो जाएगी। इस तरह से आप स्पेस का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जगह खाली मत रखिए, कुछ ना कुछ लगा दीजिए, जब वो तब तक वो बड़ा होगा तब तक आपका वो दूसरा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इधर दिखाते हैं हम, इधर देखिए ये हमने मिर्च लगाई हुई है, ये हरी मिर्च है, जो हम हरी मिर्च खाते हैं वो, तो ये अभी हमें सप्ताह भर भी नहीं हुआ लगाए हुए और ये ठीक ठाक अभी ग्रोथ कर रही है, बढ़ चुकी है, जड़ वगैरह इसने बना लिया है, साइड ब्रांचेज इसने देना शुरू कर दिया। ये देखिए इसमें कैसा साइड ब्रांचेज निकल रही हैं,
और इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसका ग्रोथ टिप तोड़नी पड़ेगी, तब ये बढ़िया से साइड ब्रांचेज निकलेगी। ठीक है, बाकी इस साइड देखिए, इस साइड क्या क्या हमने अभी लगाया हुआ है। पालक तो हमारी कई बार हार्वेस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने अभी इसको छोड़ दिया है कि एक बार और हार्वेस्ट करके तब ख़त्म करेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं नई पालक लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये बैंगन का पौधा देखिए, ये हमने जब लगाया था तो आपको वीडियो दिखाया था, ये देखिए एक बैंगन का पौधा हमने ट्रायल के लिए लगाया है, तो ये देखिए इसमें फ्रूटिंग भी होनी शुरू हो गई है और फ्लावरिंग तो कितनी सारी पकड़ रखा है। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये छोटे में ही दो चार फल ही संभाल सकता है। ये इसमें बहुत बड़ा हो गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि DFT सिस्टम है। और ये देखिए पुराने धनिया, हम कई बार लगभग 3-4 बार तो हार्वेस्टिंग ले लिए हैं, और अब ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो रहा है, इसका जड़ यहाँ है और ये तीसरे पाइप को भी पार करके ऊपर तक बढ़ रहा है। इधर देखिए ये कैसे बढ़ रहे हैं। असल में हमने धनिया कुछ ज़्यादा ही लगा दिया था, तो हम इतना खा नहीं पा रहे हैं। और ये कुछ फिर से शिमला मिर्च के पौधे हैं, ये इसमें 3 शिमला मिर्च है ये, और ये 2 मिर्च के पौधे हैं। अब जहाँ भी जगह मिलती है हम कुछ ना कुछ लगा देते हैं। देखिए हमने खीरा भी लगा रखा है, ये देखिए ट्रायल के लिए हमने एक ये खीरे का पौधा है और एक ये खीरे का पौधा है। ऊपर हमने इसके लिए सहारे के लिए ये देखिए ये बना दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत ये लोहा या बांस कुछ भी दे करके हम इसमें ये खीरे को इसमें फैला देंगे। तो देखिए ये भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, लगभग 5-6 दिन हो गया लगाए हुए, और ये मुझे लग रहा है कि देखिए ये शायद फूल भी पकड़ रहा है। तो अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसी तरह दिखेगा, अभी तो कुछ खास पता नहीं चल रहा, लेकिन लग रहा है ये फूल ही पकड़ रहा है, इतना छोटे में ही फूल पकड़ लिया इसने। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है, न्यूट्रिएंट में हल्का फुल्का चेंज कर देंगे आप तो आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी इनका हम अपडेट आपको देते रहेंगे, जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा खीरा, जैसे जैसे बंद गोभी होगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और ब्रोकली की जब हार्वेस्टिंग करेंगे उसकी भी अपडेट देंगे। तो इस तरह से हम, बाकी अगर आपको गार्डन देखना है हमारा, तो ये देखिए गार्डन में हमने क्या क्या लगा रखा है। ये किनारे किनारे ये खरबूजा जो होता है ना, खरबूजा जिसको बोलते हैं मस्क मेलन, वो चीज़ है। और ये बीच में एक जुकनी का पौधा है, ठीक है, ये भी फ्लावरिंग पर है, ये फ्लावरिंग पकड़ना शुरू हो गया इसमें। और ये भी खरबूजा है, इसमें हमें कुछ प्याज भी लगा रखी है, और ये 3 खरबूजा के पौधे हैं। एक चौथा हमारा मर गया, शायद कोई कीड़ा काट दिया इसको, तो एक ये मर गया है, 4 ये लगाए थे। ये देखिए हमारी सेम, इसको ब्रॉड बीन कहते हैं, उसका पौधा है। ठंड में तो ये खैर नहीं हो पाया ढंग से, लेकिन अब ये फिर से अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। और इसी में हमने एक एक ये खीरे के पौधे भी लगा रखे हैं, ये भी चलेंगे। ठीक है, और टमाटर का एक अपडेट देना था आपको, जो हमने 8 बीज बोए थे, पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जब हमने बीज लगाया था तो आपको दिखाया था, ये वही पौधे हैं। ठीक है, एक ये 3 इसमें और एक ये 4, एक ये 5 और 3 ऊपर है। पीछे हमारे यहाँ 3 दिन आंधी की तरह हवा चली, परेशान हो गए हम लोग, मतलब पौधे को तोड़ कर रख दिया इसने। देखिए अभी तक ये घायल हो गए हैं, इतने ज़्यादा घायल हो गए थे पौधे की ये पत्तियाँ देखिए इनकी, ये देखिए किसी की टिप टूट गई, किसी के पौधे गिर रहे थे। तो मैं एक दिन दोपहर में छत पर आया, देखा कि अरे बाप रे, तो पौधे ही उखड़ जाएंगे, फिर मैंने तुरंत रस्सी बांध करके सहारा दिया इनको। तो देखिए इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग, और प्लस ये फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। इधर इधर देखिए नीचे की साइड, ये फ्रूटिंग बननी शुरू हो गई है इसमें। इधर देखिए ये फ्रूट बन भी गया है यहाँ पर, है ना। इधर भी देखिए, इधर भी फ्रूट बन गया है ये, और एक एक जगह से 2-2, 3-3 गुच्छे फेंक रहा है ये, है ना। ये है भी कुछ अलग वैरायटी का पौधा है ये। तो इस तरह से हमारे गार्डन आजकल चल रहा है, लेकिन टाइम ना मिलने के चलते हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। ये देखिए हमने पालक निकाल के फेंक दिया आज के, खाली करके, और जो भी है कुछ पालक, कुछ मेथी, कुछ हम आजकल लगाएंगे वो लाल साग जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, चौलाई लगाना है हमें, तो उसका एक वीडियो देंगे आपको जब लगाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपडेट।